बल्लभगढ़ बस डिपो पर हरियाणा रोडवेज के परिचालक ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए बस में मिले 1,00,000 रुपए यात्री को वापस दे दिए हैं। इसके लिए यात्री ने परिचालक का आभार जताया है। हल्द्वानी से बल्लभगढ़ बस डिपो की बस में सवार यात्री पवन गुप्ता ने बताया कि वे टिफिन में रखे 1,00,000 रुपए सीट पर ही भूलकर अक्षरधाम उतर गए थे। बस से उतरने के बाद उन्हें याद आया और उन्होंने परिचालक का नंबर हासिल किया। परिचालक लालचंद ने बताया कि उनके पैसे बस अड्डे में जमा करवा दिए गए हैं, इसलिए वो अपना टिकट और पैसों की पहचान आकर बताएं। पहचान बताने पर उन्हें उनके रुपए वापस दे दिए गए। पवन कुमार ने कहा कि परिचालक ने ईमानदारी का परिचय दिया है और वो सम्मानित करेंगे। ये हुई कि बैग के अंदर से मैंने कंबल निकाला, फिर उसमें डब्बा बाहर निकल गया होगा, बस यही धन्यवाद तो करेंगे भाई। साथ में अगर हल्द्वानी में तो मैं इनका अच्छी तरह सम्मान करूंगा ही, जैसे कि ईमानदारी है तो हरियाणा रोडवेज में दिख रही है, देखिए मैं तो खुद उसका साक्षात हूँ। बस के परिचालक लालचंद ने बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में जब भी किसी यात्री का कोई सामान रह जाता है तो चालक परिचालक उस सामान को बस अड्डे में जमा करवा देते हैं और मैंने भी ऐसा किया। बस अड्डे पर तैनात DI भागीरथ शर्मा ने रुपए लौटाने पर परिचालक लालचंद की प्रशंसा की है। जब गाड़ी हम बस स्टैंड में आके अपनी ड्यूटी ऑफ कर देते हैं तो हम गाड़ी जो स्वीपर से सफाई करने से पहले हम चेक करते हैं कि किसी सवारी का कोई सामान नहीं हुआ, रह तो नहीं गया है। अगर रह भी जाता है तो हम उसको अपने यहाँ पे जमा कर देते हैं ड्यूटी सेक्शन में या यार्ड रूम में, जो हमारी जिम्मेदारी बनती है जिससे हरियाणा रोडवेज की शान बनी हुई है। जी आई तो इन्होंने देखा कि गाड़ी में एक डिब्बा टिफिन पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का टिफिन था। इन्होंने उस टिफिन को उठाया, उठा करके इन्होंने सोचा कि इसमें जो है रोटी होंगी, किसी की लंच बॉक्स है बच्चे वाला, तो इन्होंने उसको खोल करके देखा तो इन्होंने देखा उसमें 1,00,000 रुपए हैं। उन्होंने उसको यहाँ ला करके दिया, जब DI साहब हमारी गाड़ी में 1,00,000 रुपए मिले हैं और ऐसे ऐसे बात है किसी यात्री के हैं तो इनको देना है हमें। फिर उसके 10 मिनट बाद इनके पास में उस यात्री की कॉल आती है